हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। जो वाटर टैंक है उसके अंदर क्या दिया गया है? स्टेप्स। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप। कहाँ पे? फर्स्ट स्टेप पे। जो एक वाटर टैंक है इसके अंदर क्या है? स्टेप है। और जो मंकी है वो वाटर टैंक के फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और यहाँ पे जो नीचे वाटर है वो लेवल कहाँ पे है? 9th स्टेप पे। मंकी बैठा है फर्स्ट स्टेप पे और वाटर लेवल है 9th स्टेप पे। तो चलिए अब हम नीचे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वन नंबर का, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन। अब जो मंकी है वो नीचे 3 स्टेप आता है एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। और 3 स्टेप नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वॉटर लेवल। अब कितने जंप लगाएगा तब वो वॉटर लेवल के पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन का। 3 स्टेप, एक जंप में 3 स्टेप क्या आता है? नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे टैंक ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे 1 नंबर पे मंकी बैठा है और यहाँ पे 9 नंबर पे क्या है? वॉटर लेवल है। अब वो मंकी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट पे बैठा है। अब 3 जंप लगा के कहाँ पे वो पहुंचेगा वो हमें देखना है। देखो 1, 2 और 3, 3 जंप लगाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? 1 नंबर से 4 नंबर के स्टेप पे। और 4 नंबर के स्टेप पे वो पहुंच तो गया लेकिन 4 नंबर के स्टेप पे वापिस 2 स्टेप वापिस ऊपर जाता है। तो 1 और 2, तो कहाँ पे वापिस पहुंचेगा? 2 स्टेप पे। ओके, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे वो कितने जंप लगाएगा तभी वो वॉटर लेवल पे पहुंचेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ही विल रीच एट फर्स्ट जंप इज इक्वल टू। अब फर्स्ट जंप पे वो कहाँ पे पहुंचेगा? फर्स्ट स्टेप पे वो बैठा है प्लस 3 जंप लगाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? 4 नंबर के स्टेप पे। कहाँ पे? फोर्थ स्टेप पे। ओके, देखा। और फिर ऐसे ही आप लोगों को ऐसा सेम टू सेम नीचे लिखना है। और यहाँ पे लिखना है सेकंड जंप। क्या लिखना है? सेकंड जंप। सेकंड जंप पे वो कहाँ पे पहुंचेगा? तो 4 नंबर पे पहुंच गया है 4 नंबर के स्टेप पे। वहां से 2 स्टेप वापिस जाएगा, अब जाएगा 4 माइनस 2। तो अब वापिस कहाँ पे पहुंच गया? सेकंड स्टेप पे। कहाँ पे? सेकंड स्टेप पे। ऐसे करके वो थर्ड जंप आएगा। कौन सा जंप आएगा? थर्ड। अब थर्ड में क्या करेगा? 2 पे आया है वहां से वापिस 3 लगाएगा। तो 1, 2, 3 कहाँ पे पहुंचेगा? 2 से 5 नंबर के स्टेप पे। कहाँ पे? 5 नंबर पे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5th स्टेप। कहाँ पे पहुंचा? 5th स्टेप पे। अब कहाँ पे? 5 नंबर के स्टेप वापिस कहाँ पे जाएगा? 2 स्टेप अप लगाएगा तो 1, 2, 3 पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा? 3 पे। चलो अब वापिस 4th जंप लगाएगा, वहां पे 5 से अब जाएगा 2, तो कितना बचेगा? 3। तो कहाँ पे वो पहुंच गया? अब थर्ड स्टेप पे। कितना जंप लगाएगा? 5th। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? 5th। 5th जंप में अभी कहाँ पे वो खड़ा है? थर्ड पे। वापिस 3 स्टेप डाउन, 1, 2, 3। कहाँ पे पहुंचेगा 3 से? 6 नंबर तक। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 जो स्टेप है वहां पे पहुंचेगा। और वापिस जंप लगाएगा तो 2 स्टेप अप जाएगा, 1, 2। कहां पे जाएगा? 4 पे। 4, 6 जंप लगाएगा तो 6 नंबर के स्टेप से माइनस 2। कहां पे पहुंच जाएगा? 4th नंबर के स्टेप पे। ओके, अब कहाँ पे पहुंच गया? 4 पे। तो अब कितना वापिस नीचे डाउन लगाएगा? 3। तो 1, 2, 3 कहाँ पे आएगा? 7 पे। 4 से 3 स्टेप डाउन,
सेवन नंबर पे आएगा। कहाँ पे? सेवन नंबर पे। सेवंथ जंप लगाएगा तो फोर पे खड़ा था प्लस थ्री स्टेप डाउन, कहाँ पे पहुंच जाएगा? सेवंथ स्टेप पे। अब सेवंथ पे आकर वापिस टू स्टेप अप, कहाँ आएगा? फाइव नंबर के स्टेप पे। अब एट्थ जंप लगाएगा, कौन सा? एट्थ नंबर का। सेवन पे खड़ा था और टू अप जाएगा तो कहाँ पे आएगा? फिफ्थ नंबर के स्टेप पे। अब फिफ्थ नंबर के स्टेप पे खड़ा है, वहां से वापिस थ्री जंप लगाएगा, वन टू थ्री, तो कहाँ पे पहुंचेगा वो? फिफ्थ से एट पे। कहाँ पे? एट पे। अब कौन सा नंबर का जंप लगाया उसने? नाइन्थ नंबर का। फिफ्थ के पे खड़ा था और प्लस थ्री स्टेप डाउन, तो कहाँ पे पहुंच गया वो? एट्थ नंबर के स्टेप पे। अब एट्थ पे पहुंच गया है, वापिस टू स्टेप अप जाएगा, वन टू, कहाँ पे पहुंच जाएगा? सिक्स पे। सिक्स कौन सा नंबर का जंप? टेंथ नंबर का जंप। एट्थ पे था, वापिस टू स्टेप अप गया तो सिक्स नंबर के स्टेप पे पहुंच गया। अब सिक्स स्टेप से वापिस थ्री स्टेप डाउन आएगा, वन टू थ्री, पहुंच गया नाइन स्टेप पे, पानी पे। ओके, इलेवेंथ जंप। आप लोगों को ये ऊपर का मैंने लिखा है ना, वही लाइन पूरे सबके सब जंप में लिखनी है, और मैंने तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है। ओके, अभी ये सिक्स जंप था और थ्री नीचे आया डाउन, तो कहाँ पे पहुंच गया? नाइन्थ स्टेप पे, जहां पे उसको पानी मिलेगा। ओके, तो चलो ये इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी, इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच एट वॉटर लेवल। तो कितने जंप लगाए उसने? इलेवन। कितने जंप लगाए? इलेवन। तो ही विल कितने? इलेवंथ जंप ही विल रीच द वॉटर लेवल। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। टू में भी मैंने यहाँ पे वॉटर लेवल और सब स्टेप दिखा के रखा है, लिख के ड्रॉ करके। टू नंबर, After drinking water, पानी तो उसको मिल गया, पानी पी लिया। अब he wants to go back. अब जो मंकी यहाँ है पानी में, पानी पी कर वापिस ऊपर जाना चाहता है, कहाँ पे? यहाँ पे वन नंबर पे, जहाँ पे वो बैठा था। He jumps four step up. अब उसको वापिस जाना है तो क्या करता है? नीचे से जंप लगा के फोर स्टेप ऊपर जाता है, कितना स्टेप? फोर। एंड देन जंप्स बैक टू स्टेप डाउन, और देन आफ्टर टू स्टेप नीचे आता है। पहले नीचे पानी पी लिया, यहाँ से फोर स्टेप ऊपर आता है और वापिस टू स्टेप नीचे आता है। इन एवरी मूव, ओके, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब वो कितना जंप लगाएगा तो ऊपर पहुंचेगा वो हमें फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में फाइंड किया वैसे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेम टू सेम लिखने का है, ही विल रीच एट फर्स्ट जंप। ओके, फर्स्ट पे। अब वो कहाँ पे है? नाइन पे, नाइन नंबर पे है। अब कितना स्टेप लगाएगा? फोर स्टेप, वन टू थ्री फोर, कहाँ पे पहुंचेगा वो? फाइव नंबर पे। पानी पी के वो फोर स्टेप अप जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? फाइव नंबर पे। नाइन माइनस फोर स्टेप अप तो कहाँ पे पहुंचेगा? फिफ्थ स्टेप पे। और फिफ्थ स्टेप पे पहुंचने के बाद वापिस सेकंड जंप लगाता है, कौन सा जंप? सेकंड जंप। फिफ्थ स्टेप पे पहुंच गया है और सेकंड जंप कहाँ पे लगाता है? नीचे। कितना स्टेप? टू स्टेप, फाइव से वन टू, तो कहाँ पे पहुंचेगा? सेवन पे। कहाँ पे पहुंचेगा? सेवन पे। फाइव प्लस टू स्टेप नीचे आता है तो कहाँ पे पहुंचेगा? सेवन्थ स्टेप पे। अब सेवन पे वो पहुंच गया, वापिस फोर स्टेप अप तो वन टू थ्री फोर, कहाँ पे पहुंचेगा? थ्री पे। सेवन पे से जंप लगाएगा, कहाँ पे पहुंचेगा? थ्री पे। ये कौन सा नंबर का जंप आया? थर्ड। थर्ड जंप में वो सेवन पे तो था, प्लस माइनस फोर स्टेप ऊपर जाता है तो कहाँ, कौन से स्टेप पे पहुंच गया? थर्ड पे। अब थर्ड पे से वापिस टू स्टेप नीचे आएगा, वन टू, तो वापिस कहाँ पे आएगा? फिफ्थ पे। ये कौन सा नंबर का आएगा? फोर्थ। थर्ड पे था प्लस टू स्टेप नीचे आया तो कहाँ पे अभी है? फिफ्थ नंबर के स्टेप पे। अभी हम फिफ्थ नंबर का जंप पे पहुंच गया,
फिफ्थ नंबर के स्टेप पे था और अभी फोर जंप अप लगाएगा, तो 1 2 3 4 वन पे, फिफ्थ पे से डायरेक्ट फोर जंप लगा के वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वन नंबर पे। फिफ्थ माइनस फोर इज इक्वल टू वन, आ गया फर्स्ट स्टेप पे, उसको वहां पे ही तो पहुंचना था, पानी पी लिया नाइन्थ स्टेप पे आकर, और पानी पीने के बाद उसको वापिस वहां पे जाना था जहाँ पे वो खड़ा था फर्स्ट स्टेप पे। आ गया फर्स्ट स्टेप, ओके, तो कितने जंप में वहां पे पहुंच गया, फाइव जंप पे, कितने, फाइव, ओके, तो फाइव इज द आंसर, इन फाइव जंप ही विल रीच एट द टॉप स्टेप, ओके। अब हम थर्ड नंबर का सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर। अब जो हमने किया वो सब हमको भूल जाना है, अब ये नया कुछ है, क्या बोलते हैं, जो ये मंकी है वो डाउन आता है, डाउन में स्टेप आता है तो उसको नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऊपर स्टेप जो लगाता है, जंप लगाता है, उसको हमें पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट वन एंड टू बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब पार्ट वन और टू को कंप्लीट करना है, ये फॉलोइंग फॉर्मूला दिए है वो उसे देखो, ए -3 + 2 - 3 + 2 सो ऑन इज इक्वल टू, आंसर आता है -8। ऐसे बी में है 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2 इज इक्वल टू 8, आंसर आता है इन ए द सम -8। अब जो यहाँ पे ए दिया है उसका ये सम है, उसका आंसर जो आता है -8, रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मंकी है वो नीचे आया है, कितने स्टेप, 8 स्टेप, क्योंकि माइनस दिया है, जो नीचे आता है डाउन स्टेप है उसको तो माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बताता है कि मंकी 8 स्टेप नीचे आया है डाउन। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी। अब ये बी जो है उसमें आंसर में जो 8 आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली पता है ना आपको, माइनस इंटीजर डाउन आता है तो नेगेटिव है, अप जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये -8 ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि 8 स्टेप नीचे आया है, तो +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 8 स्टेप ऊपर गया है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना चलेगा, हमको सॉल्यूशन भी तो करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो अब हमने जो सॉल्यूशन किया है उसमें ही देखते हैं, और इसकी फॉर्मूला क्या है, ए की -3 + 2 - 3 + 2 ऐसे। अब हमें देखो वन नंबर में देखना है, अब वन नंबर में क्या दिया है, ये 3 स्टेप डाउन आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करने का, -3 से, और 2 स्टेप अप जाता है तो +2 से, ओके। अब हम यहाँ पे 3 नंबर का सॉल्व करते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ए में क्या दिया है, 3 स्टेप डाउन आता है +2 स्टेप अप जाता है, देखो क्या है, 3 स्टेप डाउन और 2 स्टेप अप, ओके। तो ये जो डाउन आता है उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है, अप जाता है उसको पॉजिटिव इंटीजर से। अब देखिए हमको यहाँ पे नंबर लाइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि वन नंबर से वो 3 स्टेप नीचे गया तो 4 पे पहुंचा, वापिस ऊपर गया 2 पे पहुंचा, वापिस नीचे आया 5 पे पहुंचा, वापिस ऊपर गया 3 पे पहुंचा। अब ऐसे देख देख के नंबर लाइन को देख के कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको एकदम ट्रिक, इजी ट्रिक सिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस, यहाँ पे 2 माइनस किया है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस, और ये हमने कितनी बार किया है, टोटल कितने स्टेप है, 11 स्टेप, तो यहाँ से ही देख के कॉपी कर लो तो भी सेम आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट जंप सेकंड जंप, फर्स्ट जंप सेकंड जंप, 3 2 3 2, 3 को माइनस करना है 2 को प्लस करना है, चलो हम करते हैं, देखो 3 को माइनस 2 को प्लस, वापिस 3 को माइनस 2 को प्लस, 3 को माइनस 2 को प्लस, 3 को माइनस 2 को प्लस। अब ये ऐसे कितनी बार आना चाहिए, 11 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो गया, एकदम इजी ट्रिक है, अगर आप लंबा लाइन में देख के वो करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
और अब इसका आंसर क्या दिया है, ए का आंसर इसे 100 और इसे -3 + 2 करेंगे तो आंसर आता है -8। अब हम काउंट करते हैं माइनस माइनस वाले 3 कितने हैं, सबका एडिशन होगा 3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12 + 3 = 15 + 3 = 18। आंसर क्या आता है -18। अब पॉजिटिव का 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10 प्लस माइनस माइनस। अब 18 में से 10 कट होगा तो कितना बचेगा 8, आंसर आएगा बड़े की साइन माइनस। आगे हमारा आंसर -8, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मंकी है वो ऊपर से 8 स्टेप डाउन आया है पानी पीने के लिए। ओके, अब हमको बी सॉल्व करना है। अब बी में क्या दिया है, देखो बी में क्या है 4 स्टेप और -2 स्टेप। अब जो 4 स्टेप पॉजिटिव दिया है यानी कि 4 स्टेप वो अप जाता है, देखो 2 नंबर में है ना 4 स्टेप अप, तो पॉजिटिव इंटीजर है 4 वाला, और 2 स्टेप नीचे आता है 2 स्टेप डाउन तो नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो हमने जो 2 नंबर का सॉल्यूशन किया है उसे देखते हैं। देखो 4 स्टेप अप 2 स्टेप डाउन, अब जो 4 स्टेप अप है उसको प्लस करना है, 2 स्टेप डाउन है उसको माइनस करना है, सेम टू सेम उसके जैसा ही। अब देखो यहाँ पे मंकी 4 स्टेप अप जाता है तो हमको पहले क्या लिखना है +4, नीचे आता है -2, वापिस 4 ऊपर जाता है 3 पे तो +4, वापिस नीचे आता है तो -2, वापिस ऊपर जाता है 5 से तो +4, ऐसे करके हमको 8 आंसर लाना है। ओके, अब सेम टू सेम उसके जैसा मैंने आपको दिखाया वैसे ट्री, यहाँ पे कितना जंप है 5 नंबर आने चाहिए और 4 2 4 2 ऐसी सीक्वेंस में। और एक बात और याद रखनी है कि 4 हमें पॉजिटिव इंटीजर से करना है क्योंकि वो अप जाता है इसीलिए, और 2 को क्या नेगेटिव इंटीजर से। तो चलो अब सॉल्व करते हैं 4 2। ओके, 4 स्टेप ऊपर जाता है तो प्लस, 2 स्टेप नीचे आता है तो माइनस, वापिस 4 स्टेप अप 2 स्टेप डाउन प्लस 4 स्टेप अप, कितने जंप लगाए थे 5 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। चलो अब इसका आंसर क्या आता है 8, क्या दिया गया है क्वेश्चन में 8, 4 + 4 = 8 + 4 = 12 और ये नेगेटिव है 2 2 4, 12 में से 4 कट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8, तो ये राइट है, ये आंसर हमारा आ गया 8। अब ये आंसर है पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर कब दिखाना है, जब वो ऊपर स्टेप लगाता है तब, 2 नंबर का 1 नंबर का और ये पूरा का पूरा। ओके, पहले 1 नंबर और 2 नंबर हमने सोल्व किया था तब ऐसा कुछ बोला नहीं था कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए हमने हमारी तरफ से जैसे ही नीचे आता है वैसे प्लस माइनस करके हमने सॉल्यूशन कर दिया। लेकिन 3rd नंबर का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ही है, उसमें बोला है कि जब नीचे आता है तो माइनस करो ऊपर जाता है तो प्लस करो, ऐसा करके हमने आंसर लाना है। ओके, समझ में आ गया सबको।